SN लाइव सच सबसे आगे। दारोंदा में मुखिया पति के प्रदीप तिवारी हत्या के विरोध में मुखिया संघ का प्रतिवाद मार्च का एक दिवसीय धरना। दारोंदा प्रखंड के रुकुंदीपुर पंचायत की मुखिया पति प्रदीप तिवारी की हत्या के विरोध में जिला मुखिया संघ द्वारा सोमवार को प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इसके बाद एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। जिला मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान ने बताया कि सोमवार को जिला परिषद के मुख्य द्वार से जेपी चौक होते हुए जिला समाहरणालय तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इसके बाद एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना के बाद डीएम व एसपी को मांग पत्र सौंपा गया। मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक आए दिन जन प्रतिनिधियों की हत्या को लेकर विरोध प्रकट किया गया। सैकड़ों सम्मानित मुखिया को टारगेट कर मौत के घाट उतारा जा रहा है, जो कि काफी भयावह स्थिति बन गई है। कहा कि प्रदीप तिवारी की हत्या एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन तमाम आम लोगों की हत्या है जिन्होंने अपना प्यार दुलार एवं समर्थन देकर पंचायत के प्रथम सेवक के रूप में सेवा करने का मौका दिया था। इस दौरान जिला व पुलिस प्रशासन से प्रदीप तिवारी के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की गई। हत्यारों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी दी जाए, उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। इस मौके पर विजय चौधरी, नीतीश कुमार, निरंजन सिंह, तनवीर अहमद, श्यामा यादव, उत्तम गौण, संजय सिंह, आशीष सिंह, लाल बहादुर सिंह, विनय चौहान, राम पुकार चौहान, मुखिया पति रहमतुल्लाह अंसारी, जीव नारायण यादव आदि शामिल थे। वहीं इस संदर्भ में महाराजगंज SDPO श्री पोलस्त कुमार ने कहा कि मुखिया पति प्रदीप तिवारी हत्याकांड में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस टीम का गठन कर इलाके के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। परिजनों को हर संभव न्याय मिलेगा। मैं खुद अपने स्तर से तकनीकी अनुसंधान में लगे हुए हैं। घटना में शामिल लोग किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। सिवान से SN लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने प्रतिवाद मार्च के माध्यम से सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन को हम लोगों ने एक संदेश देने का कार्य किया है कि जो 7 तारीख को रुकुंदीपुर के सम्मानित मुखिया पति प्रदीप तिवारी जी का जिस प्रकार से निर्मम हत्या किया गया, उनके हत्या करने वाले अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करके उनको फांसी देने का कार्य किया जाए। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं, साथ ही साथ बिहार के सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि आए दिन बिहार में सैकड़ों ग्राम पंचायत के मुखियाओं का हत्या हो गया, कब विराम लगेगा, कब न्याय होगा? ये आपके सरकार में जब ग्राम पंचायत के मुखिया सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या यहाँ के लोग सुरक्षित रह पाएंगे? तो तमाम इन मुद्दाओं को लेकर आज हम लोगों ने जिला परिषद के मुख्य गेट से हम लोग प्रतिवाद मार्च करते हुए यहाँ समरणालय पर आकर के एक दिवसीय धरना हम लोग देने का कार्य किया है। यह प्रथम संदेश है। अगर इसके बाद भी यहाँ की प्रशासन अपना कान नहीं खोलती है, यहाँ के प्रशासन उन अपराधियों के साथ जो गठजोड़ किए हुए उस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो आने वाले समय में जिला मुखिया संघ और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। वो आंदोलन एक नया इतिहास लिखेगा। तो जो हम लोगों ने आज यह प्रतिवाद मार्च के माध्यम से जो एक दिवसीय धरना देने का कार्य किया, यह केवल एक संदेश के रूप में है और वह संदेश जिलाधिकारी महोदय को हमने मांग पत्र के माध्यम से हम लोग देने का कार्य करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग देने का कार्य करेंगे और पुलिस अधीक्षक महोदय को देने का हम लोग कार्य करेंगे। क्या लग रहा है मुखिया जी, लगातार अगर बिहार की बात करें, खासकर बिहार की बात करें, तो अपराध बढ़ गया है, निश्चित तौर पर बढ़ा है। आप देख लीजिए ना, अगर इस सरकार में यहाँ के जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो क्या कयास यह लगाया जाए कि जिस प्रदेश की जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है वहां की आवाम कैसे सुरक्षित रहेगी? तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि यहाँ जीरो टॉलरेंस की सरकार है, यहाँ अपराधियों पर नकेल कस करके जेल में डाला जा रहा है, और दूसरे तरफ आए दिन जो अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है उसमें विशेष करके सैकड़ों ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों का जो हत्या हो गया है, आखिर क्यों ग्राम पंचायत के मुखिया को ही टारगेट किया जा रहा है? इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम लोग ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। प्रदीप तिवारी की हत्या के बाद जिले के SP महोदय ने थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया, क्या लग रहा है कि ये कार्रवाई सही थी? नहीं, हम लोग तो जिस दिन घटना हुआ था हम लोग प्रदीप तिवारी जी के यहाँ मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों के बार बार आग्रह करने के बाद घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक महोदय वस्तु स्थिति को नहीं जान रहे हैं, और उसके सेकेंड आप पुलिस
वहाँ के एसएचओ का आपने हटा दिया, बर्खास्त कर दिया, इससे कहीं न्याय नहीं हो जाता है ना? आप वस्तु स्थिति को देखे होते। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास, बंगाल गोल्ड टी। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।